हेलो एवरीवन वेलकम टू एडूम इम्प्रिंट्स सो दिस इज तरुण कपूर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स सो यू कैन आल्सो वॉच अदर प्लेलिस्ट ऑन द चैनल बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हैं आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉट आई पी सी फैमिली लो लीगल एप्टीट्यूड मिस्सेड एनियस क्वेश्चन एंड अदर इंपॉर्टेंट वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल सो डू वॉच दैम एंड सो फस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी इज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि ओवर टाइम जो वेजेज़ होती हैं उन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं लेबरर्स को ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन बिकॉज़ गुजरात गवर्नमेंट ने एक बेसिकली एक लॉ में चेंज करा उन्होंने क्या करा कि जो फैक्ट्रीज़ एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट है उसके अंदर जो वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू एग्जाम द इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम द परव्यू ऑफ़ द एक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक एमरजेंसी ठीक है कि वो गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो इस एक्ट से बाहर पब्लिक एमरजेंसी के दौरान इसको हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को और इसके इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि जो फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर इन्हें इंडस्ट्रीज़ uh, को कोविड uh, नाइन्टीन के दौरान आपको एग्जाम्पन दिया गया है कि आपको ओवरटाइम देने की ज़रूरत नहीं है तो so, एक ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी है कि कैसे हो सकता है कि हम एक पर्सन से ओवर टाइम काम करा रहे हैं और उन्हें हम ओवर टाइम वेजेस नहीं दे रहे हैं ठीक है तो इसलिए एक गुजरात मजदूर सभा जो रजिस्टर ट्रेड यूनियन है उन्होंने इसके खिलाफ बेसिकली याचिका लगाई ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और उसे कहा वैलिडेट कर दिया और कहा कि ओवर टाइम वेजेस को डिनाई नहीं करा जा सकता बिकॉज कोविड नाइनटीन में ऑलरेडी ही इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वर्कर्स को तो उनका जो बर्डन है वो वर्कर्स के ऊपर नहीं डाला जा सकता नेक्स्ट है हमारा गुजरात डिस्टर्ब एरियाज एक्ट ठीक है तो इससे पहले आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब दो लॉज के अंदर एक समझ लीजिए एक राज्य सरकार ने बनाया है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है केंद्र सरकार ने बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है दोनों जब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉ बनाते हैं तो उसमें जब कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है तो इसे क्या कहते हैं हम डॉक्ट्रीन ऑफ रिपग्नेंसी ठीक है तो इसलिए ये आपके वैसे एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना मगर कि ये टॉपिक न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए ठीक तो है तो सिमिलरली जो गुजरात डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है ये 1986 में सबसे पहले वहाँ नोटिफाई किया गया था और इसके अंदर क्या है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है डिस्टर्ब एरिया के अंदर विदाउट द परमिशन ऑफ कलेक्टर ठीक है कि कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी तभी आप उस जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है जो कि पहले कलेक्टर नोटिफाई करता था तभी आप उसके सेल परचेज कर सकते हैं उस डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर विद द परमिशन ऑफ कलेक्टर अब जो उसमें अमेंडमेंट की गई है उसके अंदर जो पावर है वो कलेक्टर के तो ज़्यादा दी गई हैं साथ ही साथ जो रिव्यू पावर दी गई है स्टेट साथ गवर्नमेंट को कि जो कलेक्टर ने डिसीजन लिया है उसको रिव्यू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी बना सकती है जो रिलेटेड टू डिस्टर्ब एरिया जो है उसको सलाह देगी उस टॉपिक पर जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है उससे रिलेटेड जो एडवाइस है वो गवर्नमेंट को देगी स्टेट गवर्नमेंट को और साथ साथ में जो हमारा डिस्टर्ब्ड एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट अब डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को एज़ अ डिस्टर्ब एरिया आफ्टर चेकिंग देयर वहाँ पर जो किस तरह की सिचुएशन है कि कोई वहाँ पर कॉमिनल रॉइट वगैरह तो नहीं हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया कर सकती है अब ये मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेगनेंसी क्यों डिस्कस करा था बिकॉज जो ये जो ये लेजिस्लेशन है स्टेट गवर्नमेंट का इसको प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है ठीक है तो इससे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो अब अब आपको देख लीजिए समझ लीजिए अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि इफ़ देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द सेंट्रल लॉ द सेंट्रल लॉ प्रवेल्स ठीक है मगर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कुछ कानून उसी सेम टॉपिक पर लेकर आ रही है उस सेम इश्यू के ऊपर लेकर आ रही है और उस स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है राष्ट्रपति की बेसिकली मंजूरी मिल जाती है तो फिर उस सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन एप्लीकेबल होता है ठीक है वो वहाँ प्रिवेल करता है स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ होता है वो प्रिवेल करता है दिस इज़ अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेसी कंप्लीट ठीक है सो मूव ऑन जो हमारा नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट बिल 2020 अब देखिए जो एफ एस एस ए आई एक्ट है 2006 का जो बेसिकली एक ये रेगुलेट करता है फूड सेफ्टी को ठीक है ये अथॉरिटी है एफ एस एस ए आई जो फूड सेफ्टी को रेगुलेट करती है इंडिया में अब इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है 2020 के अंदर जिसके अंदर हमने एनिमल फीड को भी फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स में बेसिकली और इस एक्ट के दायरे में ले लिया है इसके एक्ट के जुरिस्डिक्शन में हमने ले लिया है और इससे हमारी अथॉरिटी की पावर तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी जब उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ जाएगा अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा ठीक है और साथ साथ में जब भी जो भी कोई इस इस जो एफ एस एस आई के रूल्स होते हैं जो एक्ट में मैंशन है उसका कोई वॉलेशन करता है तो उससे रिलेटेड उसकी पेनाल्टीज को इन्हेंस करा गया है ठीक so uh, uh, है सो दिस इज़ अब द टू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन सेट्स अप पैनल ठीक है जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक पैनल बनाया है ताकि तो वो रिवाइज कर सके जो एक्सपेंडिचर लगाते हैं कैंडिडेट्स लोकसभा इलेक्शंस में और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और उसके दो मेंबर्स हैं हरीश कुमार और दूसरे हैं हमारे उमेश सिन्हा ठीक है सो ये दो मेंबर्स की जो कमेटी जो बिठाई है कमीशन दो मेंबर्स की इलेक्शंस के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी को ध्यान में रखते हुए टेन परसेंट जो एक्सपेंडिचर है लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कैंडिडेट्स खर्चते हैं ठीक है उनका बढ़ा दिया है ठीक है टेन परसेंट ये भी आ सकता है उसके बाद हमारा आ जाता है एंटी ट्रस्ट लो इन इंडिया व्हाट इज एंटी ट्रस्ट लो एंटी ट्रस्ट लो मींस कंपटीशन लो अब ये न्यूज में क्यों है बिकॉज जो गूगल कंपनी है उसके ऊपर यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट ने केस फाइल करा है सूट फाइल करा है कि आप अपनी पोजीशन को बेसिकली जो मार्केट की पोजीशन है उसको अब्यूज कर रहे हो ठीक है गूगल सर्च को अनफेयर तरीके से चला रहे हो तो इस इससे रिलेटेड जो कंपटीशन लो है वो न्यूज़ में आया व्हाट इज़ कंपटीशन लो अब हमने देख, ध्यान क्या देना है कि हमारा कॉम्पिटिशन लो इंडिया में क्या है कॉम्पिटिशन एक्ट टू है ठीक है और जो कंपटीशन एक्ट 2002 स्टिल इन एग्जिस्टेंस है इस, इस ये केस को रिप्लेस कर, कर आया था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 जो किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बना था राघाविन कमेटी ठीक है जो कंपटीशन एक्ट है उसके रिप्लेसमेंट किसकी कम, कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था राघाविन कमेटी और ये क्या काम करता है कि हमारे देश में एक फेयर कंपटीशन बना रहे ठीक है कोई भी किसी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करे मोनोपली क्रिएट ना हो प्राइस फिक्सिंग है वो बड़े फेयर तरीके से हो और हमारा ट्रेड और कॉमर्स प्रोटेक्ट रहे तो ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ट्वेंटीथ अमेंडमेंट टू श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ट्वेंटीथ अमेंडमेंट की गई है जिसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट को टू एंड हाफ़ ईयर्स के हाफ मतलब टू ईयर्स एंड सिक्स मंथ्स के बाद इलेक्ट होने के बाद उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वहाँ के उनकी पावर्स कम हुई हैं और इस अमेंडमेंट ने अलाउ करा है प्रेसिडेंट को कि वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते होल्ड सॉरी होल्ड कर सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं सो so, ये इससे ओवरऑल क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी जो पावर है वो एक्सटेंड हुई है और जो हमारे जो प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर इस दो इस प्रेजेंटली श्रीलंका में है वो दोनों भाई हैं तो इसलिए उनके नाम यू कैन रिमेंबर नेक्स्ट हमारा आज आता है छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020 थाउजेंड ट्वेंटी सो बेसिकली ये जो बिल है ये जो थ्री फार्म लॉज ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं प्रीवियस वीडियोज़ में जिसका डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर आई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है कि इस जो अमेंडमेंट हम लेकर आ रहे हैं इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल के अंदर उससे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को कंट्रोल कर सकती है उसके अंदर आपको दो चीज़ें हैं जो याद रखनी है एक तो डीम्ड मार्केट की फॉर्मेशन ऑफ डीम्ड मार्केट किया गया है अब आप आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डीम्ड मार्केट क्रिएट करी है ठीक है और हमारा साथ साथ में जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी जो हमारी कॉरपोरेट्स uh, जो हमारे ख़रीदेंगे फार्मर्स से प्रोड्यूस वो इलेक्ट्रॉनिक होनी ज़रूरी है इस बिल के अंदर कहा गया है साथ साथ में स्टेट जो गवर्नमेंट ने ही कहा है कि जितने भी कॉरपोरेट्स होंगे उनकी जो ट्रांजैक्शंस uh, हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाएगा उनको देखा जाएगा स्क्रूटनी की जाएगी और साथ साथ में जो भी प्राइवेट एंटिटी एंटर करेगी एग्रीमेंट विद द फार्मर्स दे हैव टू सबमिट देयर अकाउंट्स ऑबियसली तो स्क्रूटनी के लिए ही होगा ठीक है तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन के लिए है कि uh, किसी कोई भी फार्मर्स से मतलब कि चीट ना करे तो इससे इस इसलिए जो गवर्नमेंट है इस तरह की प्रोटेक्शन इस बिल के अंदर अमेंडमेंट के से लेकर आई है नेक्स्ट है हमारा यू एस कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट अब ये न्यूज़ में तो इसलिए आया था कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो उनको कोरोना हो गया था तो उस जो ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट है उसके अंदर ये है कि जब भी हमारे प्रेसिडेंट की डेथ होती है जो यूएस प्रेसिडेंट है उन या वो रिज़ाइन करते हैं या रिमूव होते हैं ऑफिस से तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी पोस्ट को लेते हैं ठीक है सक्सीड करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा थ्री इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो फ्रांस में कंट्री ने जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रेजुअल बैन लगाया है ऑन द वाइल्ड एनिमल्स इन सर्कस ठीक है और जस्टिस मदन लोकुर कमेटी बनाई गई है फॉर स्टबल बर्निंग जो इशू है उसके ऊपर और US 25th Constitution, we have already discussed. So, this is about uh, October 2020 current affairs. So, do like, I think you must have got some important things from this video. So, do like, comment, and share this video. And do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon. And thank you so much. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Bye.